हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम सेतु एंड यू आर वॉचिंग कल्याण लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स. सो वेलकम बैक अगेन विद अनदर हॉल वीडियो. सो टाइटल देख के आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि मैं यहाँ पे अमेजोन का हॉल वीडियो शूट कर रही हूँ. सो येस, ये राखी के बाद ये सारे फेस्टिवल्स का दौर शुरू हो जाता है एंड सिंस दिवाली इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग, तो मैंने कुछ चीज़ें अपने घर के लिए परचेज की हैं. एज़ यू ऑल नो, मैनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट मुझे डेकोर रिलेटेड आइटम्स बहुत पसंद है, घर की साज सज्जा रिलेटेड. सो येस, मैंने भी घर के लिए कुछ चीज़ें परचेज की हैं और सारी चीज़ें बहुत रीजनेबल प्राइस में हैं, कुछ भी बहुत ओवरली प्राइज्ड नहीं है. सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी अलॉन्ग विद प्राइस, सो आप जाके चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ पढ़ सकते हो एंड इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द लिंक एंड बाई दिस. सो येस, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू एड ऑन वन पॉइंट. जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं या जो मेरी पुरानी वीडियोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक बर्थडे हॉल वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने अपनी बर्थडे की शॉपिंग दिखाई थी. सो उसमें मैंने बहुत सारे टॉप्स दिखाए थे, उन टॉप्स की मैंने पिक्चर्स भी लगा दी थी इधर विंडो में, बट ट्राई ऑन प्रॉपरली मैं नहीं दिखा पाई थी. सो आई मेंशनड इन दैट वीडियो कि जब भी मैं कोई भी टॉप अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में पहनूंगी तो आई डेफिनेटली शो यू. तो जो मेरा लास्ट वीडियो गया है जिसमें मैंने सेकेंड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन दिखाया है, वैक्सीनेशन रिलेटेड वीडियो था, तो उसमें मैंने एक पिंक टॉप पहना था, कोल्ड शोल्डर वाला. सो दैट इज़ वन ऑफ दोज परचेज एंड दिस इज़ दी अनदर टॉप दैट आई एम वेयरिंग टुडे. सो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपने उस वीडियो में बोला था कि आप जब भी पहनोगे तो आप बताओगे, बट मैं उसमें बताना भूल गई थी. तो वन ऑफ द सब्सक्राइबर हैज़ मैंशन दैट पर्सनली. सो येस, थैंक यू सो मच माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर. सो आई एम मैंशनिंग नाउ दैट दिस इज़ वन ऑफ दोज टॉप्स. दिस इज़ इन टर्किश ब्लू कलर और इसका ऐसा नेक है. आई रियली लव दिस पीस और ये आप ब्लैक के साथ कैरी करोगे तो बहुत अमेजिंग लगेगा. ब्लैक स्कर्ट हो या ब्लैक जैगिंग हो या जीन्स हो, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज टॉप्स. मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा दूंगी विंडो में इन केस अगर आपको प्रॉपर लुक चाहिए तो. अदरवाइज दिस इज़ द टॉप. इसमें सेल्फ में थोड़ा ग्लिटरी पैटर्न है, अदरवाइज इट्स प्लेन एंड आई लव दिस काइंड ऑफ. ये इसका ऐसा शोल्डर है, आप देख सकते हो. So yes, this is that top. So yes, without any further delay, let's get started. So my first purchase is the artificial trees. So एक ये plant है, this is artificial plant. But trust me guys, जब ये आया था तो मतलब अगर आप इसको एकदम एक झलक देखोगे तो ये आपको original ही लगेगा. ये बिल्कुल भी artificial नहीं लगता है unless you touch it. ऑब्वियसली टच करके पता लगेगा और आप बहुत पास से देखोगे ऐसे भी पता लगेगा, लेकिन अगर आप इसको कहीं पे रख देते हो आई डेफिनेटली कैन अश्योर यू दैट इसका जो ये प्लांटर है ना, ये भी ओरिजिनल लगता है और ये तो ओरिजिनल लगते ही हैं. दिस पीस आई रियली लव. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लांटर दैट आई रियली लाइक. और मैंने ये सेट ऑफ थ्री में मंगवाए. सेट ऑफ थ्री में इन्होंने मुझे अलग अलग डिज़ाइन दिए हैं. सो दो सेम है, एक डिफरेंट है. ये दोनों इस टाइप से हैं अगर आप देख पा रहे हो. सो इसमें येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं. ये सेट ऑफ टू में हैं. इनकी हाइट इतनी है, इतना ही प्लांट है ऊपर, तो टोटल हाइट ये हो गई. सो यस, ये हैं और एक ये है. आउट ऑफ दीज थ्री ये बहुत ओरिजिनल लग रहा है, एकदम ओरिजिनल ही लगता है, तो आप इसको कहीं पे भी सजा सकते हो. तो यस, एक मैंने ये मंगाया है, सेट ऑफ थ्री में आया है ये. माई नेक्स्ट परचेज इज़ दीज मैपल लीफ. सो ये ऐसी स्टिक है इतनी बड़ी और उसमें ये लीव्स हैं. सो ये सेट ऑफ फाइव में आती हैं इस टाइप से. आप कहीं पे भी लगा सकते हो इनको, किसी भी पॉट में, वास में या कहीं भी वॉल पे. तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है कहीं पे, आपको लग रहा है कि ये अकेला ऐसे लगाना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप ऐसे यहाँ से ये एक एक सिंगल सिंगल कट भी कर सकते हो. सो इफ़ यू कट फ्रॉम हेयर तो ये एक लीव बन जाएगी. यहाँ से कट करोगे ये एक लीव बन जाएगी. तो यहाँ विंडो में मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लगा रही हूँ, उसमें आपको पता लगेगा. जो मेरे घर की गैलरी है उस गैलरी में मैंने आर्टिफिशियल ग्रीन लीव्स लगाई हुई हैं चारों तरफ, तो उन आर्टिफिशियल ग्रीन लीव्स के बीच में मैंने ये मैपल लीव्स कट करके लगाई थी, बिकॉज ग्रीन के बीच में ये ऑरेंज बहुत अच्छा लुक दे रहा है. तो मैंने ये कट किया था, बिकॉज़ ये इतना बड़ा बड़ा लगाना मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था, मैंने कट किया था. तो कट करके मुझे इसमें फाइव मिल रहे थे सेट, तो बेसिकली दो मैपल लीफ मैंने कट करी तो मुझे टेन मिल गए. तो उससे क्या हुआ, जो मेरे गैलरी एरिया में ग्रीन लीव्स का
पूरा बेल लगा हुआ है चारों तरफ, उसके बीच बीच में मैंने ये मैपल लीफ कट करके लगाई है, तो आप विंडो में देख सकते हो, उस वीडियो में आपको आइडिया लगेगा कि मैंने किस तरीके से उनको अरेंज किया है। सो येस, दिस वॉज माई नेक्स्ट परचेज। इसमें और भी कलर्स हैं, आप देख सकते हो, ग्रीन कलर में भी आती है, बट ग्रीन के साथ मुझे ऑरेंज का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर लग रहा था। तो येस, दिस वॉज माई अनदर परचेज। नेक्स्ट इज दीज आर वॉल स्टिकर्स, बेसिकली नॉट स्टिकर्स, आई वुड से एम डी एफ वुड में है ये। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये एम डी एफ वुड में है। तो बेसिकली इसके पीछे ये एडहेसिव दिया होता है, आप इसको हटा के आप इसको वॉल पे पेस्ट कर सकते हो। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन का दिया है इन्होंने, ये है, ये है, ये स्मॉल में है, ये थोड़ा बड़े में है, ये उससे बड़ा है, आउल का डिज़ाइन है इस पर, ये उससे बड़ा है, साइज बढ़ता जा रहा है, दिस इज नेक्स्ट एंड दिस इज द बिगेस्ट, या स्कूटर। सो यस, ये एम डी एफ वुड में मेरे पास है। ये मैंने पर्टिकुलरली मंगाए हैं अपने डाइनिंग एरिया के पीछे लगाने के लिए। इसका जो पैटर्न होगा उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये किस तरीके से लगते हैं। तो इनका लुक एक्चुअली उसी पैटर्न में लग के सुंदर लगता है। तो मैंने ये अपने डाइनिंग टेबल के पीछे वाली जो वॉल है उस पर लगाने का सोचा है। तो जब भी मैं लगाऊंगी मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। इसमें मुझे टोटल 11 पीसेज मिले हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सबके पीछे एडहेसिव लगा के दिया है इन्होंने, तो आपको जस्ट ये रिमूव करना है और पेस्ट करना है। तो आप कहीं भी, इट्स नॉट ओनली कि डाइनिंग एरिया के पीछे, अगर आपको अपने रूम में या बच्चों के रूम में या कहीं पे भी कोई ऐसी सिंगल वॉल है जो आपको लग रहा है बहुत खाली खाली है और उसके लिए कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, फ्रेम्स कई बार अच्छे नहीं लगते हर जगह कि हम फोटो फ्रेम लगा दें, तो दिस डिज़ाइन इज़ रियली गुड एंड इन पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी कि किस तरीके का पैटर्न इसके साथ अच्छा लगता है। सो येस, दिस वॉज वन ऑफ माई परचेज। ये डाइनिंग एरिया के पीछे लगाने के साथ साथ ही मैंने एक और एम डी एफ वुड में एक चीज़ मंगाई है, एन्जॉय वाइन। सो ये भी एम डी एफ वुड में आप देख सकते हो, इसके पीछे भी ये एडहेसिव रहता है, ये पूरा छूट जाएगा एंड यू कैन जस्ट पेस्ट इट लाइक दैट। तो एन्जॉय एंड वाइन, ये भी मैंने मंगाया। तो ये भी मैं इस पैटर्न के साथ ही लगाऊंगी डाइनिंग एरिया के पीछे, बिकॉज जहाँ पे आप खाना खा रहे हो वहीं पे आप इस तरीके का कुछ लगाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो वंस आई विल पेस्ट इट अलॉन्ग विद दैट डिज़ाइन, तो आई विल डेफिनेटली शो यू। सो ये एन्जॉय वाइन वाला मैंने एक मंगाया है इसी के साथ के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ एम डी एफ वुड में एक मैंने मंगाया है पीस। सो बाई चांस मेरे को अमेज़ोन ने ये तीन का सेट भेज दिया, मैंने एक ही ऑर्डर किया था, तो आई हैव दीज थ्री। सो दो ये हैं, एक मैंने अपने मंदिर वाले एरिया में लगाया है, तो मैं यहाँ पर उसकी पिक्चर लगा दूंगी, तो आप देख सकते हो वो कैसा दिख रहा है। तो येस, एक ये है। सब एम डी एफ वुड में सबके पीछे एडहेसिव आता है, तो यू जस्ट हैव टू रिमूव दिस एंड पेस्ट इट, सो इतना कुछ हेडेक नहीं रहता। और इन केस अगर आपको लगता है कि ये छूट जाता है तो आप डबल साइडेड टेप भी यहाँ पे दो जगह लगा दो, एक इस साइड लगा दो, एक इस साइड लगा दो, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनी वेयर। सो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। तो एक ये है मेरा। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो अ प्लांटर, नो वन मोर एम डी एफ वुड प्रोडक्ट इज रिमेनिंग, दिस हैप्पी। सो अगेन, इसमें भी एडहेसिव है, आप पेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ माई एम डी एफ वुड वाली परचेज। एक मैंने पाइनएप्पल शेप मंगाया है एम डी एफ वुड में, उसका पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी। वो मैंने अपने किचन की वॉल में फ्रिज वाले साइड पे लगाया है, तो दैट इज़ पाइनएप्पल शेप का एम डी एफ वुड। ये पेस्ट करने में बहुत ईजी रहते हैं, तो मैंने ये काफ़ी सारे मंगाए हैं एंड दीज आर नॉट वेरी मच कॉस्टली ऑल्सो, तो वो मैंने एक लगाया है। नेक्स्ट इज़ माई प्लांटर अगेन, बट ये बेल वाला प्लांटर है, ये देखिए। इसमें ये इस टाइप का ब्लैक कलर का प्लांटर आपको मिलता है, उसमें ये इतनी लंबी सी बेल है, तो ये भी काफ़ी नेचुरल लगती है रखने के बाद, ऐसा लगता है बहुत ओरिजिनल लीव्स हैं ये, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी जहाँ पे भी मैंने ये लगाया है, तो आपको आइडिया मिलेगा ये कैसी लग रही है। तो आप यहाँ विंडो में देख सकते हो ये बेल कैसी लग रही है।
So yes, this is one beautiful purchase from Amazon. Next is these lights. So ये clip वाली lights हैं, आप देख सकते हो इस type से, ऐसे clip लगता है। इसमें आप अपनी pictures वगैरह लगा सकते हो और इसमें LED लगी हुई है, तो आप ये स्विच में ये लगाओगे देन आप ऑन करोगे तो इसमें लाइट भी जलेगी और आपके सारे फ़ोटोज़ भी हाईलाइट होंगे। तो ये एक मुझे बहुत ब्यूटीफुल सी लाइट लगी, तो जब मैं इसको लगाऊंगी मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। ये मैंने अपने स्टडी टेबल के ऊपर, ऑफिस टेबल के ऊपर वाले एरिया में लगाने का सोचा है, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं वहीं पर लगाऊंगी, बिकॉज ये मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वो जो वॉल है कर्टन के साइड में, जहाँ पर वो टेडी बेयर रखा है ब्लू कलर का, उस वॉल के लिए मैंने एक मेक ओवर सोचा हुआ है अपने दिमाग में। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको वहाँ यूज़ करूँगी, बट येस एज आई सेट कि अभी आई एम नॉट श्योर। तो जैसा भी होगा जब भी मैं लगाऊंगी मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है उस वॉल को मेक ओवर करने के लिए, तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको वहाँ यूज़ कर लूँ। तो वेन एवर आई यूज़ इट आई डेफिनेटली शो यू। सो येस दिस इज अनदर परचेज। माई नेक्स्ट परचेज इज दिस हैंगिंग स्टफ। पहले मैंने ये इसलिए ओपन नहीं किया, पहले मैं आपको इसकी पैकिंग दिखाना चाहती थी। बहुत अच्छे से पैक होके आया गाइस, बिल्कुल भी मतलब कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया अमेज़ॉन ने इस प्रोडक्ट को पैक करने में, तो काफ़ी अच्छी पैकिंग है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ देन आपको दिखाऊं। तो बोलते हैं मक्रेम हैंगिंग्स। सो ये मक्रेम का बना होता है, आप देख सकते हो, जैसा आप समझ लो जैसे पुराने टाइम में हम लोग क्रोशिया का वर्क करते थे बहुत सारी चीज़ों पे, तो ये मक्रेम है उसी का पैटर्न है। और ये इस तरह का हैंगिंग है, आप यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे इन्होंने ये बोर्ड दिया है MDF का, तो यहाँ पे आप इसको हैंग करने के बाद यहाँ पे कुछ भी डेकोरेटिव पीस रख सकते हो। मैं यहाँ विंडो में लगा दूंगी ये मैंने कहाँ पे लगाया और ये कैसा लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसा लुक दे रहा है। और इसमें जैसे आप, मैंने आपको दिखाया मैंने प्लांटर्स ऑर्डर किए, आप इस टाइप से ये भी रख सकते हो, तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगे। तो एज अ डेकोरेटिव पीस आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, अपना कोई फ़ोटो फ्रेम लगा सकते हो या कोई भी आप हैंगिंग वाला प्लांटर रख सकते हो। जैसे मैंने वो बेल वाला प्लांटर मंगाया वो भी आप लगा सकते हो, तो आप विंडो में देख सकते हो मैंने बेल वाला प्लांटर इसके ऊपर रखा हुआ है और ये काफ़ी सुंदर है। सेट ऑफ टू में आया है मेरे पास और इसके साथ ये LED लाइट इंक्लूडेड है। तो मेरे विंडो वाले वीडियो में आपने देखा होगा लाइट इसमें जल रही है, वो लाइट इसके साथ मुझे मिली है। एंड इसके साथ उन्होंने मुझे हुक भी दिया है, जहाँ पे भी आपको वॉल पे हैंग करना है तो ये हुक इसके साथ फ्री आता है। माई नेक्स्ट परचेज इज दिस मक्रेम हैंगिंग। ये थोड़ा बड़े में है, काफ़ी ब्यूटीफुल सी हैंगिंग है और ये भी सेट ऑफ टू में आई है। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो यहाँ पे, और नीचे इसमें MDF वुड का ये बेस प्लेट दिया है। अगेन आप इस पर कुछ भी सजावट का सामान रख सकते हो, तो ये भी सेट ऑफ टू में आया है। और ये मैंने अभी कहीं लगाया नहीं है, जब मैं लगाऊंगी तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा पीस है एंड दिस इज़ माई अनदर परचेज। तो यही था मेरा अमेज़ॉन का हॉल वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद है आप प्लीज़ लिंक पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गाइज हिट लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई वीडियोज़। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो with another amazing haul, and let's not keep that secret. So I'm coming again with another home center haul video. Yes, so I'll take a sign off from you all. If you like this video I'm again saying then hit the like button. I'll see you in my next video. Till then goodbye and thanks for watching.
Thank you.